जैन दोस्तों, आप देखना है इस वीडियो में लासा मासा के बारे में, क्योंकि मैं इसके वीडियो में आपको बोला था कि आपको लासा मासा के बारे में बताऊंगा। मैं एक दिन क्लास नहीं ले पाया, टेक्निकल इशू था, समय के कारण मैं जो है क्लास नहीं ले पाया, है ना। तो चलो आज हम बात करते हैं लासा मासा के सवाल और उस पर किस तरह के सवाल लगाए जाते हैं, उसका उपयोग करके इसको सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लासा और मासा सीखते हैं। क्या? लासा और मासा, ठीक है। लासा और मासा क्या होता है? लासा का फुल फॉर्म उत्तम समापवर्तक, मासा का फुल फॉर्म होता है जो है महत्तम समापवर्तक। लासा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं LCM, और इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक, उल्टा क्या बोलते हैं इसको, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोअर कॉमन फैक्टर, HCF और LCM, ठीक है। इसको हम लोग सीखते हैं। देखो, अगर मान लो तुमसे कोई कह दे, पहले ये जान लो कि LCM क्या होता है, फिर बता दूंगा। पहले आप देखो, मान लो तुमको कोई कह दे 4, 5 और 6 का LCM बताओ क्या होगा। 4, 5, 6 का LCM आपको निकालना है, तो क्या करोगे, सबसे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करोगे। सबसे छोटी संख्या किससे? 2 से स्टार्ट करोगे इसको काटने के लिए। 2 से काटोगे, 2 × 2 = 4, और ये 5 कटेगा नहीं, ये 6 कट जाएगा। कितने बार में? 2, 3 बार में। 2 × 3 = 6, मतलब 2 के टेबल में 4 कितने बार आता है? 2 बार में आता है। 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो उतार दो। 2 के टेबल मतलब पहाड़ा में 6 आता है, कितने बार में? 3 बार में। तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट लेते हैं। फिर 2 का टेबल पढ़ो कि ये कितने बार में आएगा? 1 बार में। ये नहीं आएगा और ये आएगा। अब देखो, क्या इसमें से कोई 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो इसके बाद 3 के टेबल में खोजो। 3 के टेबल में 3 के पार में कौन आता है? 3 आता है। तो इस 3 को एक बार तो ये 1 था, नहीं आता है। 5 नहीं आता है, उतार दो इसको ऐसे। और 3 आता है कितने बार में? 1 बार में। फिर जो है 5 से काट दो। 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5, बात यहां तक सबको समझ में आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, 4, 5, 6 का हमको क्या निकालना था? LCM निकालना था, लासा निकालना था। सबसे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से काटना शुरू किए। 2 के टेबल में 4, 2 के पार में 4 कितने बार में? 2 बार में आता है। 5 नहीं आता, 5 उतार दिया। 2 कितने बार? 6 के टेबल, 2 के टेबल में 6 कितने बार में? 3 बार में आता है, कर दिया। फिर देखेंगे कि 2 से टेबल में कोई आता है कि नहीं आता है। तो देखते हैं यहाँ पे 2 एक बार में आता है तो कर दिया, 5 नहीं आता उतार दिया, 3 नहीं आता उतार दिया। फिर देखेंगे 2 के टेबल में कोई आता है, नहीं आता है, तो 3 के टेबल में देखो, 3 के टेबल में कौन आता है? 3 आता है, ठीक है। कोई बच्चा 5 के टेबल को नहीं देखेगा, क्योंकि आपको जो है एक लाइन से चलना है, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। फिर 3 का देखोगे यहाँ पे, ये 1 नहीं आता उतार दो, 5 नहीं आता उतार दो, 3 आता है कितने बार? 1 बार, 1 कर दो। फिर 5 के टेबल में देखो, फिर देखो 3 के टेबल में कोई आता नहीं, 4 के टेबल में कोई आता नहीं, 5 के टेबल में आता, हाँ 5 आता है। तो एक उधर गया, एक उधर गया, लास्ट में 1 जब आ जाता है तो यही हम लोग छोड़ देते हैं। सब लास्ट में जब 1 आ जाता है तो छोड़ देते हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका आपस में गुणा कर लेंगे, कर देंगे 2 × देखो 2 में 2 का गुणा करो, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 3 में 4 दिया 12, 12 × 5 = 5, 12 × 5 = 60। तो इसका LCM कितना आ गया? 60। सबको ऐसे समझ में आ गया LCM? कोई डाउट है? नहीं। मैं आपको HCF अगले राउंड में कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट तरीके से उसको मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें कई सारी चीजें जो है फ्रैक्शन के किस तरह से LCM HCF निकाले जाते हैं भिन्नों के, तो उन सभी चीजों को मैं सिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ HCF की। जैसे मान लो लिख लो 5, 4, 5 और 6 का HCF निकालना, तो 4 का जो है अलग निकाल लो, 2 से कटेगा, 2 बार में जाएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 5 का अलग निकाल लो, तो 5 एकम 5 एक के बार जाएगा, फिर 6 का अलग निकाल लो, 2 बार में जाएगा, ये 3 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो ऐसा कौन सी संख्या है, यहाँ पे 1 से कटेगा 1 आ जाएगा, 1 से कटेगा 1 आ जाएगा, और 1 से कटेगा 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऐसी कौन सी गुणांक है, इसको गुणांक कहते हैं, ऐसी कौन सी गुणांक है जो सम में है, तो 1 ऐसी गुणांक है जो सम में है, तो 1 1 1 सम में है, इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आएगा HCF? कोई डाउट है? अगर मान लो कि 2 चीज मिल रहा है, मान लो 2 भी मिल गया, 5 ही मिल गया सम में, तो 2 × 5 = 10, इसका HCF क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आई होप सबको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलो